हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मांगना चाहूंगा माफी, क्योंकि दो दिन से मैंने किसी मूवी के अपडेट की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आप लोगों को कोई वीडियो बना के नहीं डाली थी। तो ऐसा हुआ है कुछ हमारे एरिया में कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन के आ गए थे हमारे झारखंड में, कुछ दो तीन डिस्ट्रिक्ट पे मतलब कि जो इंटरनेट सेवा है ना उसे पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, मात्र कॉलिंग जो सुविधा है उससे उपलब्ध कराई गई थी। तो जिसके कारण से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैं उसके लिए सबसे पहले मांगना चाहूंगा आपसे माफी। तो अभी हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं खिलाड़ी मूवी की रिगार्डिंग, तो इसकी मूवी इसका रीमेक कौन बना रहा है और इससे भी अपडेट बॉलीवुड पे जो अभी स्कैम चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। तो सब पता ही होगा कल की डेट में रिलीज होने वाली है रवि तेजा की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज जो पैन इंडिया रिलीज हो रही है हिंदी में भी थिएटर्स पे 11 फरवरी को कल के दिन पे। तो इसी की जो अपडेट्स निकल के आ रही है, जो इनकी जो मतलब कि कॉपीराइट्स बिछे गए हैं हिंदी में, इनको रीमेक्स बनाया जाएगा वो और नहीं कोई हमारे जो बेहतरीन एक्टर ना जो 5-6 मतलब जितने भी बैक मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप टट्टी पे टट्टी किए जा रहे हैं उनकी बात कर रहा मैं सर की, सलमान खान। इन्होंने इनकी रिमेक्स खरीद लिए है और ये अब इस फिल्म का जो नाम रखा जा रहा है ऐसा निकल के आया कि करण अर्जुन रखने वाले हैं। अब इसमें कौन होंगे, खुद एक्टिंग करने वाले हैं या किसी और पे एक्टिंग की मतलब कि देकर इस फिल्म को मुंह पे मारने वाले हैं ऑडियंस के लिए तो पता नहीं है। मगर आप ही सोचिए जिस मूवी को हम पैन इंडिया पे लेवल पे हिंदी पे देख लेंगे उसे हम क्यों देखने जाएं उस पे, और मतलब ये क्या सोच के ये रीमेक बना रहे हैं। पहली बात तो बॉलीवुड पे ओरिजिनल कंटेंट को साइड में रख के रीमेक का जो अभी चलन चल रहा है, जो स्कैम चल रहा है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। पीछे कुछ दिनों हालिया में जो मतलब न्यूज निकल के आई थी, अभी कुछ न्यूज निकल के आई है जो डीजे आप लोगों को पता होगा अल्लू अर्जुन सर के जो मूवी थी साउथ में उसकी रीमेक करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। आप लोग सोचिए वो उस मूवी की अगर आपको स्टोरी लाइन जो राइटिंग है उसको देखेंगे ना पूरी डल थी उस मूवी की, पर उस फिल्म को हिट बनाने की जो मतलब कि जो एक लौता था ना जिसके फिल्म इतनी अच्छी चली थी वो थी अल्लू अर्जुन सर खुद, और उसकी जो स्टारडम है वो उनके मूवी के एक्स फैक्टर थे। मतलब उस मूवी के जो उन्होंने स्वैग दिखाया ना इसकी वजह से वो फिल्म ने उतनी अच्छी कलेक्शन की थी यार। मतलब आप लोग सोचो जरा, आप उसके जगह में अगर सिद्धार्थ को आप लोग उस मूवी में करेंगे तो कहानी तो कहीं भी नहीं है। उसके बाद आप उससे एक्टिंग करवाना चाहते हैं। हाँ मैं ये नहीं कहता जो अभी उन्होंने सहरसा मूवी जो दी थी काफ़ी बेहतरीन है, पर भाई कहीं भी वो मैच नहीं कर रही है। उसके बाद में सहजादा आप लोगों को पता होगा आला वेकेंडम पुरम लखी जो सहजादा बन रही है वो भी फिल्म टिपिकल इंडियन स्टोरी है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। मगर वो भी फिल्म इतनी अच्छी जो ब्लॉकबस्टर हायर ग्रोसर फिल्म थी पुष्पा से पहले अल्लू सर की, वो क्यों थी, क्योंकि अल्लू सर थे उसमें भाई। मतलब वो एक ऐसा मतलब कि स्याही है ना किसी अगर कोरा पेज पे लिख दें तो ऐसे ही रंगीन मतलब ब्लॉकबस्टर ऐसे हो जाती है। उसके बाद में अगर वही नहीं होंगे एक्स फैक्टर तो फिल्म नहीं चलने वाली है यार। फिल्म हम उस फिल्म को देखने के लिए गए थे तो अल्लू अर्जुन सर की स्वैग के कारण, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है उसके बारे में, और आप उसके बाद जो मतलब जो रीमेक पे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है मतलब कि बॉलीवुड पे क्या चल रहा है। स्कैम रीमेक ही रीमेक, मतलब कुछ ना कुछ पुट किया ज्यादा बात है। पहली बात तो वहां पर इनसाइडर आउटसाइडर तो अलग ही बात है, मतलब कि हमें ओरिजिनल कंटेंट को हमें क्या चाहिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटा आप कहीं भी जाके कहीं हो जाएं उनसे उसको कोई मतलब नहीं पड़ता। मुझे क्या बनाना है मैं आप लोगों के मुंह मतलब कि सर पर जबरदस्ती फेंकूंगा, ऐसा ही चल रहा है बॉलीवुड पे। क्यों, क्योंकि ऑडियंस में हम सारी फिल्मों को आप देखिए डीजे को देख लीजिए आला वेकेंडम पुरम, आपको पता होगा 13 फरवरी को जो ढिंचक जो ऑफिशियल चैनल है उस पर रिलीज की जाएगी, उसको हम लोग लेंगे। उसके बाद में जो 11 फरवरी यानी कल की डेट पे रवि तेजा सर की खिलाड़ी मूवी उसे हम देख लेंगे, तो क्यों खर्चा करने जाएंगे, और जो ओरिजिनल कंटेंट है उसे अप्रिशिएट क्यों ना किया जाए। फिल्म जो अच्छी है वो है, आप लोग इस मूवी को देखने के जाएंगे इस तीनों मूवी को थिएटर्स पे कि नहीं, इनकी जो रिमेक्स बन रही है बॉलीवुड पे मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो भी आपके ओपिनियन होंगे जरूर बताइएगा। मैं चैनल पे बने रहिए, मैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, सपोर्ट के लिए आपकी काफी ज्यादा जरूरत है मुझे। तो बाय बाय दोस्तों।